नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने अवैध गांजा के साथ खरीद फरोख्त करने के आरोप में एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान बादामी देवी पत्नी गुल्लू निषाद निवासी ग्राम मंझरिया विष्टौल थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 23 किलो 550 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि मेरे पति गुल्लू निषाद तथा मेरा लड़का बलिराम निषाद गांजा बिहार में कहीं से खरीदते हैं। हम लोग बिहार से खरीदे गए गांजे को दीपा निषाद पत्नी गब्बर निषाद दूसरा उत्तेज कुमार उर्फ रितेश कुमार पुत्र योगेंद्र प्रसाद तथा तीसरा धर्मशीला देवी उर्फ डॉक्टराइन निवासीगढ़ अमरूद मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को बेचते हैं। बेचने से मिलने वाले पैसे से हम अपना तथा अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। हमारे द्वारा बेचे गए गांजे को दीपा निषाद दूसरा उत्तेज कुमार तीसरा धर्मशीला देवी उपरोक्त द्वारा गोपनीय ढंग से बाजार में बेचा जाता है। अभियुक्ता का पुत्र बलराम निषाद उर्फ मिस्टर पूर्व में भी गांजा की बिक्री करवाने में दो बार जेल जा चुका है। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अभय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल ज्ञानधारी पाल, कांस्टेबल विनीत सिंह, सचिन यादव, प्रवीण कुमार, महिला कांस्टेबल सुनीता तिवारी, प्रियंका भारती शामिल रहीं। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव व अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग गेम प्रतियोगिता का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। खेल मंत्री व एसीएस खेल ने रामगढ़ ताल और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहे खिलाड़ी यूपी और गोरखपुर के बारे में अविस्मरणीय यादें लेकर लौटें। जो भी काम शेष है वो दो दिन में 100% पूरा कर लिया जाए। खिलाड़ियों के आने पर उन्हें शानदार माहौल का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के रहने खाने व परिवहन के इंतजाम उत्कृष्ट होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर में पहली बार रोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। इसे सफल बनाने और भविष्य में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नए द्वार खोलने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। टीम वर्क से इस जिम्मेदारी को पूरा कर पूरे देश में गोरखपुर और यूपी का मान बढ़ाना है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, सीडीओ संजय मीना, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा, उपनिदेशक संस्कृति डॉक्टर मनोज गौतम, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम के जो चार जगहों पर होनी है उसमें गोरखपुर भी है, उसका हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया है और जो भी आवश्यक होगा अभी बैठक होगी, समीक्षा बैठक हो, उसको निर्देश देंगे। किसी पर भी प्रकार से जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे खिलाड़ी, उनके रहने की खाने की और उनको यातायात करने में कोई असुविधा न हो, इस दृष्टि से अभी हम लोग बैठक भी करेंगे और उसको निर्देश भी जारी करेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए क्या, पूरी भव्यता बनाने के लिए पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और ये पहली बार आयोजन करने का अवसर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और हमारे खेल मंत्री भारत सरकार को, उन सबको बहुत
आभार प्रकट कर। आज भोर में हुए मूसलाधार बरसात से किसी मोहल्ले में जल जमाव ना हुआ हो, स्वयं नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल प्रातः कालीन साइकिल से भ्रमणशील होकर व्यवस्था को देखा। नगर निगम द्वारा प्रातः कालीन सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई तथा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को प्रभावी तरीके से कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए महानगर को स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, नगर आयुक्त प्रातःकालीन कूड़ा कलेक्शन कार्य व्यवस्थित तरीके से कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं, स्वयं प्रतिदिन साइकिल पर सवार होकर कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया करते हैं, जिससे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्थित तरीके से नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कूड़ा कलेक्शन कर सके और महानगर को स्वच्छ करने में कोई कसर ना रह जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, गीले और सूखे कूड़े का पृथक्करण, सोर्स एग्रीगेशन, अपशिष्ट पृथक्करण एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण, लैंडफिल, डंप साइट, कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था के कार्यों को ससमय पूर्ण कराएं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को और प्रभावी बनाया जाए। नगर निगम के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए कूड़ा कलेक्शन, नाला सफाई व्यवस्था के कार्यों को पूरा करना चाहिए, जिससे अपना महानगर स्वच्छ और सुंदर हो सके। जनपद में हुई बारिश पर प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश सिंह ने कहा कि सुबह 3 बजे भारी आंधी व बारिश हुई है, जिसको देखते हुए सभी तहसीलों में सूचित कर दिया गया है कि यदि कहीं पर भी कोई जनहानि हुई है तो वह तत्काल अपने संबंधित तहसील व लेखपाल को अवगत करा दे, जिससे उनको नुकसान का मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अब बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए इस तरह की बारिश होती रहेगी, सभी लोग इससे बचाव के लिए अपनी व्यवस्था कर लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। आज प्रातःकाल लगभग 3 से 4 बजे के बीच अच्छी आंधी आई, भयंकर आंधी आई और उसके साथ ही वर्षा भी हुई। हमने सभी तहसीलों को, सभी SDM साहबान को, सभी तहसीलदार साहबान को ये निर्देशित कर दिया है कि कहीं पर अगर कोई मकान, कोई जन धन, किसी प्रकार की कोई हानि हुई हो तो उसको तत्काल सूचित किया जाए, जिससे उन्हें अपेक्षित मुआवजा दिया जा सके। मेरा अनुरोध है, ये मौसमी बारिश है, अब बारिश और आंधी का मौसम प्रारंभ हो गया है, तो इसके मद्देनजर जो भी सतर्कता की आवश्यकता है लोग उसका पालन करें। सर, किस प्रक्रिया के तहत लोगों को ये सहायता धनराशि प्राप्त होती है? ये आपदा विभाग हमारा जो है, इससे ये धनराशि दी जाती है। अगर कोई मकान में अतिवृष्टि के कारण तोड़फोड़ हो जाती है या ये जो आपदा है प्राकृतिक आपदा है, इसकी वजह से यदि कोई नुकसान होता है तो वो उसके लिए जो धनराशि निर्धारित है वो दी जाती है।